गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको जो अलजेब्रा की चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का वर्क, बट आपको काम किसमें करना, अलजेब्रा की कॉपी में करना। देखिए, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 13, क्या नेम है इसका, पॉलीगन। तो आपने प्रीवियस ईयर में पॉलीगन के बारे में पढ़ लिया था, इस बार फिर देखते हैं। पॉलीगन आपको होता है पॉलीगन, एक से ज्यादा डायमेंशन, जिसकी एक से ज्यादा साइड हो, एंगल हो, वो हमारे क्या है, पॉलीगन चलाते हैं। पॉलीगन टू टाइप के होते हैं, ए रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है बेटा, रेगुलर मतलब जिसकी शेप और एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारे रेगुलर क्या कहलाते हैं, पॉलीगन का। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। मान लीजिए तीनों साइड जिसकी इक्वल होती है वो हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन। वो क्या है हमारा, रेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारी जिसकी शेप, एंगल और साइड तीनों इक्वल होंगे, रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन जिसके शेप और शेप या साइड या एंगल इक्वल ना हो। मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्या ये है, तो देखिए इस पर शेप साइड एंगल इक्वल है, नहीं है, तो ऐसे फिगर से बोलते हैं रेगुलर फिगर। नेक्स्ट देखिए बेटा, पॉलीगन टू टाइप के और होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो ये देखिए जिसमें कर्व की तरह से बने हुए हैं स्टार, अगर ऐसा कोई फिगर होता तो होते हैं कॉनकेव। ठीक है, और कॉन्वेक्स, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल या ऐसा बना होता है कोई भी, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्या है आपकी 13.1। तो 13.1 की एक्सरसाइज देखिए, आपकी आंसर शीट दी है पीछे, वहां से आंसर आप क्या करेंगे, फिलप्स में फिल कर देंगे। तो पहला फिलप्स है, पॉलीगन्स आर फ्लैट शेप फॉर्म बाय स्पेस और मोर लाइन सेगमेंट। तो क्या आएगा इसमें, थ्री आएगा, क्या आएगा, थ्री और मोर लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई भी पॉलीगन जो होंगे वो थ्री साइड और एंगल से मिलकर ही बनेगा, इससे कम से नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितनी साइड बनेंगे, थ्री या इससे मोर। तो पहला ऑप्शन हो गया, आप तीन से आंसर शीट से फिल कर देंगे। सेकंड देखिए, और कॉनकेव पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, ये है कॉनकेव, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। देखिए ये जो एंगल होगा वही एंगल ऐसा बनेगा, दो दोनों एक जैसे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं, आपस में रिफ्लेक्स कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल 360 होता है, कितना होता है, 180 से मोर, 360 से लेस होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आता है। नेक्स्ट देखिए, और कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें भी रिफ्लेक्स आएगा, फोर वाले में भी क्या आएगा, इक्वल, फाइव वाले में सेम आएगा। तो आप भी खुद पढ़ लेंगे और आप पीछे आंसर शीट से आंसर फिल कर देंगे, तो आप भी पूरे कॉपी में आप काम करने कर लेना। ठीक है, 13.1 आप कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 13.2, ये आपको कॉपी में बनाना चाहो बना लेना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, बनाना चाहो बना लेना या रहने देना, बना ही लेना आप। ठीक है, थोड़ा नोट्स पॉइंट है, आप ये बना लेना। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा बनाने को, खाली एक्सरसाइज आएगी पेपर में, तो आपको समझाने के लिए मैं आपको बनाया है, तो आपकी मर्जी है, बनाना चाहे बना देना, वरना कोई बात नहीं। देखिए जल्दी से, देखिए 13.2 एक्सरसाइज, 13.2, 13.1 करा दी मैंने, 13.2 देखिए। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया ट्रायंगल क्या होता है, थ्री साइड्स आर नोन एज ट्रायंगल, जिसकी कितनी साइड होती हैं, थ्री साइड होती हैं, वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, देखिए पहला ट्रायंगल क्या लिखेंगे, पहला ट्रायंगल होता है हमारा आइसोस्केल, क्या होता है, आइसोस्केल, आइसोस्केल, आइसोस्केल्स में देखिए, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी टू साइड्स आर इक्वल, इसकी टू साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। मान लीजिए कोई साइड हमारी ये है, कोई ये है, तो ये साइड हमारी क्या इक्वल है, अगर ये फाइव है तो ये फाइव है, तो ये फोर है, जिसकी टू साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है ना, समझ में आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड ट्रायंगल हमारे पास स्केलिन, क्या है, स्केलिन, स्केलिन, स्केलिन से ही आपको समझ में आ रहा है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, अनइक्वल, तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, वो हमारा स्केलिन कहलाती है। मतलब एक साइड होगी फिर एक बड़ी होगी फिर एक उससे भी ज्यादा बड़ी होगी, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम,
स्केलेप ट्रायंगल क्या बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल को, तीनों साइडें क्या है डिफरेंट है, तीनों साइडें क्या है इसकी डिफरेंट है। अगर तीनों साइडें डिफरेंट होती, मान लीजिए 3 है, ये 2 है, ये 5 है, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं स्केलेप ट्रायंगल। नंबर 3 देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा इक्विलैटरल मतलब इक्वल, मतलब जैसे तीनों साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ऐसे ट्रायंगल क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये आप कॉपी में नोट कर लेना, जाओ कॉपी में नोट कर लेना, नोट कर लेना ठीक है बेटा, और पेपर में नहीं आएगा ये। अब देखिए एक्सरसाइज 13.2 प्लस देखिए, ये आप आंसर शीट से पीछे से आप लोग फिल कर लेना सब लोग, ठीक है। सेकंड देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, सबसे बड़ी साइड होती है जो ट्रायंगल की वो हमारी हाइपोटेनस कहलाती है, ये मैंने आपको बताया था। देखो बेटा कोई हमारे पास ट्रायंगल है, नाइन क्या है ये ट्रायंगल, कोई हमारे पास क्या है राइट ट्रायंगल, ये क्या हमारे राइट ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है एक साइड 90 डिग्री होती है और राइट ट्रायंगल कहलाता है, ये बड़ी वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के सामने होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस। तो इन्होंने पूछा है कि एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हाइपोटेनस, ठीक है पहले प्लस हाइपोटेनस बता देना। दूसरा देखिए, आर स्पेस ट्रायंगल हैज टू साइड इक्वल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, मैंने अभी बताया था टू साइड इक्वल किसकी होती है उसे बोलते हैं आइसोस्केलेस, ठीक है। थर्ड देखिए, स्केलेप ट्रायंगल हैज नो साइड, स्केलेप ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, हैज नो इक्वल साइड, ठीक है। फोर्थ देखिए, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, अब देखिए ना सम ऑफ ट्रायंगल कितने साइड है इसका, कितने एंगल है 1, 2, 3, तो मैंने बताया जब सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो आंसर लगाना 180। एंड इक्वल ट्रायंगल है क्या होती है इक्वल इक्वल एक्यूट एंगल में क्या होती है आल एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, आल लिख देना ठीक है ना। एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। अब देखिए एक्सरसाइज 13.3 का देखिए फ्लक्स देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आंसर शीट से फिल करना है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। इसमें आपसे देखिए पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 166। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 13.3, इसको रफ कर दे बेटा। देखिए एक्सरसाइज 13.3 देखिए एक्सरसाइज जल्दी से। तो 13.3 में क्या है, इसमें आपका पेज नंबर 166, पेज नंबर 166, इसमें एक टेबल बनी हुई है, फिगर की टेबल बनी है। पहला फिगर है इसमें क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा है आपका स्क्वायर का, तीसरा रोम्बस, चौथा पैरोग्राम, लास्ट वाला काइट। तो पांचों फिगर को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो पहला फिगर रेक्टेंगल का है, इसमें कहा गया है कि अपोजिट साइड इक्वल, तो हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये समझा रहा बेटा, तो इन्होंने कहा है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है, ये हमारे कहलाता है रेक्टेंगल, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया हमारा। सेकंड देखो, इसमें थ्योरी लिखी है कि अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इसमें सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो टोटल एंगल कितना आ गया 360। थर्ड देखिए, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है दिख ही रही मुझे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाईसेक्ट, इसके डायगोनल होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं डायगोनल, देख लीजिए ये डायगोनल क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं, ठीक है समझ में आ गया। रेक्टेंगल के बीच में जो बनाते हैं वो डायगोनल होता है जो इक्वल होता है, पहला सीधा समझ में आ गया। सेकंड देखो, स्क्वायर, कोई हमारे पास क्या स्क्वायर है, ये पेज नंबर 166 में टेबल दी है, ये देख लेना सब लोग, समझ लीजिए, कॉपी में करना चाहो कर लेना, वरना कोई बात नहीं पेपर में नहीं आएगा, ठीक है समझ लीजिए। इसमें कहा है कि आर साइड कॉन्ग्रेंट, इसमें सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है, आर साइड आर कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, तो ये सब इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये हमारे स्क्वायर कहलाता है। थर्ड देखिए, रोम्बस, ये रोम्बस होना है, ये हो गया रोम्बस, तो रोम्बस में कहा गया है कि ऑल साइड कॉन्ग्रेट, इसमें सभी साइडें इक्वल होती है, ये इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट साइड पैरेलल, ये साइडें आपस में ऊपर नीचे अपोजिट होती है, अपोजिट एंड कॉन्ग्रेट, तो ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, ये हमारा रोम्बस है,
ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। थर्ड देखिए, पैरेललोग्राम। थर्ड क्या आया हमारे पास, पैरेललोग्राम। ये फिगर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए क्या कौन सा फिगर क्या होता है। तो आप ये कॉपी में बना लेना, नोट पॉइंट डाल के, या आपकी मर्जी है बनाना चाहे बनाओ या मत बनाओ, खाली समझा दे रहा हूँ, समझना जरूरी है। नेक्स्ट फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ये बनता है ऐसे करके, मान लीजिए बेटा कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होते बताइए आपको। तो ये हमारा क्या है, इसके लिए डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। तो जो इसमें दिया है ये इक्वलेटरल पैरेललोग्राम दिया है, इसमें क्या दिया है, इक्वलेटरल पैरेललोग्राम, मतलब ये सब साइडें क्या है इसकी, इक्वल है बुक केस का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वलेटरल पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो इसमें बताया है कि अपोजिट साइड इक्वल, ये साइड क्या है इसकी, इक्वल है। ठीक है बेटा, और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल भी इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट फिगर हमारा काइट का। तो काइट आपको सबको पता है, काइट का फिगर ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे डायगोनल काइट के। तो इन्होंने कहा है कि ये हमारे क्या सेम है, ये साइड हमारे क्या सेम है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, काइट। ये हमारे किसका फिगर है, काइट। ठीक है, समझ में आ गया पूरी, ये मैंने फिगर टेबल समझा दी। ये आप चाहे बनाना चाहो बना लेना, नहीं तो समझ लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 18.3, फिलअप करना है इसमें। आप क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है, टोटल फोर। मैंने अभी बताई थी क्वाड्रिलेटर को, जितने भी पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ये एक हमारे प्रकार क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फिगर होते हैं। क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फिगर, जिसमें फोर साइड होती है, वो हमारे क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल फिगर। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आप क्वाड्रिलेटरल है, कितनी साइड होंगी, फोर साइड एंड फोर एंगल, या आप पीछे आंसर शीट से पूरा फिल कर देंगे। सेकंड वाले में ट्रायंगल आएगा, थर्ड वाले में क्या आएगा, टू आ जाएगा, फोर्थ वाले में इक्वल एंड पैरेललोग्राम, थर्ड फाइव वाले में लॉन्गर डायग्राम होगा। सबसे बड़ा डायग्राम किसमें होता है, किस फिगर में, पाइप में होता है। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज देखिए 13.4, एक्सरसाइज 13.4, ये रफ कर दे रहा बेटा। देखिए ये सब आप आंसर शीट पीछे से भर लेना, ये पूरी आप क्या करोगे, बैक साइड पीछे से। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.4 शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्लस दिया है 13.4 का, हेक्सागोनल है, तो आपको पता है हेक्सागोनल ये होता है, तो हेक्सागोनल में आती है कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी साइड होती है हेक्सागोनल में, 6। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन, द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑक्टागोनल। पहले ऑक्टागोनल बनाते, देखिए ऑक्टागोनल कैसे बनता है, पहले ये बनाएंगे, इसके बाद ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये नीचे लाइन, ये लाइन, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऑक्टागोनल। तो टोटल साइड कितनी होती है, 8 होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टागोनल कहलाता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल एंगल होता है इसका 135 डिग्री। 8 में 135, तो 8 में कितना हो गया, 1080। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा 1080। थर्ड, द डायमीटर इज द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल। तो आपको पता है बेटा कोई सर्कल हमारे पास, ठीक है, तो यहां से यहां तक पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, और यहां से यहां तक क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सर्कल में क्या होता है, पूरा कवर्ड होता है सेंटर से। एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्किल एंड ऑफन नेम विद, क्या होता है, एंड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, 13.4 आप आंसर शीट से पीछे से फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 13.4 की क्यूमुलेटिव, मतलब चैप्टर 13 की क्यूमुलेटिव देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगन्स आर टू डायमेंशनल, पॉलीगन में कितनी डायमेंशन होती है, 2, 2 से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना, सेट मतलब ए के पार्ट आप पीछे आंसर शीट से फिल कर देंगे, बी वाला ही फिल कर देना, सी बी और डी वाला। देखिए गिव टू नेम्स ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो नेम लिखे हैं, तो आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रोम्बस होता है, या रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, दो लिखने हैं आपने, लिख देना। ऐसी डी के पार्ट आप आंसर शीट से देख के आंसर कर लेना, ई के पार्ट में भी आंसर पीछे देखे हुए हैं, देख के कर लेना, ट्रू फॉल्स भी ऐप वाला कर लेना। इसके बाद एमसीक्यू बेटा, एमसीक्यू भी आप टिक लगा के कॉपी में कर लेना, ठीक है, आंसर शीट से चेक कर लेना।
ठीक है बेटा, सब मैंने आपको समझा दिया मेन मेन जो भी इम्पोर्टेंट है। आज चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया, कल चैप्टर 14 मैं कराऊंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ये सब काम आप किसमें करेंगे? अगर ज्योमेट्री की कॉपी बनाई है तो ज्योमेट्री में कर लीजिए, अगर किसी के पास ज्योमेट्री कॉपी नहीं है तो आरजीआरवाई की कॉपी में कर लीजिए। ठीक है बेटा, वैसे ये काम ज्योमेट्री कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू क्लास।